हेलो एंड वेलकम डियर ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल डियर एकेडमिक इंग्लिश। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर लास्ट टॉपिक। व्हाट वाज दैट? दैट वाज मेकिंग नाउन टू इट्स सिंगुलर फॉर्म और इट्स प्लूरल फॉर्म। आज हम लोग अपने वीडियो का पांचवा पार्ट पढ़ेंगे, जो क्या है, जो कि किसी नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाना किस तरह होता है। इससे पहले चार पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, वो आप सभी देख लोगे। सो विदाउट एनी लेट एंड वेट लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। आज का पहला वर्ड क्या है? आज का रूल पहले समझ लें। देखो क्या है आज का रूल, जो है पहला वो है आपका, दिस ग्रुप इज़ अ फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउंस। ठीक है ना, ये जो अब हम लोग कुछ वर्ड्स को देखेंगे, ये दरअसल क्या है, ये तमाम का तमाम कलेक्टिव नाउन है, मतलब नाउंस का मजमुआ है, नामों का मजमुआ है, किसी भी चीज़ का मजमुआ है, जमा है। दीज नाउंस आर सिंगुलर इन फॉर्म, मतलब ये तमाम नाउन जो है ये अपने शक्ल में तो सिंगुलर है, बट आर जनरल एज प्लूरल, लेकिन ये आम तौर पर इस्तेमाल किस तरह होते हैं, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका यूज़ किस तरह होता है, प्लूरल के तरह यूज़ होता है। सम सच नाउन्स आर लिस्टेड बिलो। अब देखो कुछ नाउन को मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड देखो क्या है, पहला है आपका जेंट्री। पहला क्या है? जेंट्री। जेंट्री का मतलब क्या होता है? जेंट्री का मतलब होता है समाज के अच्छे लोग, समाज के अच्छे लोग। लेकिन इस जेंट्री का यूज़ जो है जनरली यूके में होता है। यूके में कब यूज़ होता है? यूके में इसको हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं, लंदन में इसको यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, अगर कोई लोग नोबल फैमिली, जो लंदन का नोबल फैमिली, उससे अगर एक रैंक नीचे वाले लोगों को क्या बोलते हैं, उससे जस्ट एक रैंक नीचे वाले लोगों को बोलते हैं जेंट्री। ठीक है, अगला वाला वर्ड देखो क्या है, पीपल। अगला क्या है जी? पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। आपको दिख रहा सिंगुलर, लेकिन यूज़ किस तरह होता है, ये प्लूरल के फॉर्म में। अच्छा, प्लूरल के फॉर्म में यूज़ का मतलब क्या? प्लूरल के फॉर्म में यूज़ का मतलब होता है इसके साथ हमेशा वर्ब वन यूज़ होगा, या तो वर्ब आर होगा यूज़, या तो वर्ब वर होगा यूज़, या तो वर्ब हैव होगा यूज़। ठीक है ना, इन सभी को हम लोग यूज़ करते हैं इन सभी वर्ड्स के साथ। ठीक है जी, अगला वाला देखें। अगला क्या है आपका? अगला है पुलिस। देखो पुलिस वाला वर्ड जनरली एग्ज़ाम में देता है। पुलिस आपको दिख रहा सिंगुलर, ठीक है ना, पुलिस दिख रहा सिंगुलर, लेकिन इस पुलिस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्लूरल के तौर पर, मतलब इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, वर लगाएंगे, या तो वी वन का यूज़ करेंगे, या तो हैव का यूज़ करेंगे। अगला वाला वर्ड देखो क्या, अगला है कि क्या जी? क्लर्जी। अगला है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है पादरियों का फिरका, पादरियों का फिरका, एक से ज़्यादा पादरियों, क्या बोलते हैं हम लोग? क्लर्जी। अगला वाला वर्ड देखो क्या है, वर्मिन। अगला क्या है? वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकौड़े। अगला वर्ड क्या है जी? पब्लिक। पब्लिक का मतलब एक से ज़्यादा लोग। अगला क्या है जी? कैटल। अगला है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी। अगला क्या है? कैटल का मतलब होता है मवेशी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान। अच्छा, किसान से यहाँ कहने से क्या मुराद है? यहाँ पे पीजेंट्री किसको बोलते हैं असल में? सुनो, पीजेंट्री दरअसल एग्रीकल्चर लेबर्स ऑफ लो स्टेटस। ठीक है ना, एग्रीकल्चर लेबर्स ऑफ लो स्टेटस, मतलब काश्तकारी में जो लेबर काम करते हैं, काश्तकारी में जो लेबर काम करते हैं, जिनका स्टेटस, सोशल स्टेटस बहुत कम होता है, उन तमाम लोगों को क्या बोलते हैं जी हम लोग? पीजेंट्री। नेक्स्ट क्या है? फॉक। अगला क्या है? फॉक। फॉक का मतलब क्या होता है? लोग। फॉक का मतलब होता है कॉमन पीपल। नेक्स्ट है मैनकाइंड। नेक्स्ट क्या है जी? मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब होता है इंसान, एक से ज़्यादा इंसान। नेक्स्ट है, अगला है पोल्ट्री। अगला क्या है? पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी, हंस, बत्तख, ये सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल्ट्री। नेक्स्ट है जूरी। जूरी क्या होता है जी? जूरी का मतलब आप सभी को पता है कि ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के बेंच को क्या बोलते हैं हम लोग? जूरी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? फ्लॉक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है जी? झुंड। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, और ख़ासकर इस्तेमाल फ्लॉक का कब करते हैं हम लोग? पंछियों के झुंड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लॉक। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। अगला देखें, ये रूल क्या है?
दिस ग्रुप कंप्राइजेज नाउंस दैट लुक वन प्लूरल दैट लुक लाइक होगा लुक लाइक प्लूरल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम लोग देखेंगे ये दिखता है प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर लेकिन इस्तेमाल किस तरह होता है सिंगुलर के तौर पर एग्जांपल देखें मतलब इन सभी को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते फॉर एग्जांपल सो द फर्स्ट वर्ड इज़ मैथमेटिक्स पहला वर्ड क्या है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आपका यूज़ किस तरह होता है सिंगुलर के तौर पर हालांकि क्या दिख रहा है आपका प्लूरल मैथमेटिक्स लगा हुआ है एस लगा हुआ तो इसको प्लूरल नहीं बोलेंगे ये सिंगुलर ही होता है यूज़ अगला क्या जी अगला है स्टैटिस्टिक्स तो ये जो है मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है ये इसमें भी एस लगा हुआ है लेकिन ये काउंट किस तरह होता है सिंगुलर के तौर पर अगला क्या इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी किस तरह यूज होता है सिंगुलर के तौर पर नेक्स्ट है जी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी यूज होता है सिंगुलर के तौर पर अगला देखें अगला है जिमनास्टिक्स अगला क्या है जिमनास्टिक्स जिमनास्टिक्स भी क्या होता है सिंगुलर के तौर पर नेक्स्ट क्या है मैकेनिक्स मैकेनिक्स भी आपका सिंगुलर के तौर पर अगला क्या है फिजिक्स फिजिक्स भी सभी को पता है सिंगुलर के तौर पर यूज़ होता है नेक्स्ट है आठ नंबर में बाबू न्यूज़ आठ नंबर क्या न्यूज़ न्यूज़ भी यूज़ होता है सिंगुलर के तौर पर नेक्स्ट क्या है इनिंग्स इनिंग्स भी आपका यूज़ होगा सिंगुलर के तौर पर रिकेट्स रिकेट्स भी किस तरह यूज़ होता है सिंगुलर के तौर पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकेट्स रिकेट्स क्या है ये बच्चों में होने वाली एक बीमारी का नाम है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ अगला वर्ड क्या है अगला है गैलोस गैलोस का मतलब होता है फांसी का फंदा गैलोस का मतलब फांसी का फंदा अगला वर्ड क्या है जी अगला वर्ड है बिलियर्ड्स अगला वर्ड है बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स इज़ अ गेम बिलियर्ड्स क्या है एक तरह का गेम है ये वर्ड देखो दिख रहा प्लूरल लेकिन इस्तेमाल क्या होगा सिंगुलर है सिंगुलर का मतलब क्या सिंगुलर का मतलब है हम लोग इसके साथ वर्ब का यूज़ कैसा करेंगे वी वन का यूज़ करेंगे या तो इज़ का यूज़ करेंगे वी वन प्लस एस या एस का यूज़ करेंगे या तो इज़ का यूज़ करेंगे या वाज का यूज़ करेंगे या हैज़ का यूज़ करेंगे अगला वाला वर्ड देखो अगला क्या है मम्स अगला क्या है मम्स मम्स भी एक तरह का बीमारी का नाम है जो कि वायरस से होता है एंड लास्ट इज़ मेजल्स मेजल्स भी क्या एक तरह का बीमारी का नाम है जिस पर जिससे क्या होता है जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर रैशेज छोटे छोटे दाने आ जाते हैं सो डियर ऑल इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी शैल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू